नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे, मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। असम बीजेपी में फूट, पार्टी के एक धड़े ने बनाई तृणमूल बीजेपी। एजीपी से गठबंधन को लेकर थे नाराज। पश्चिम बंगाल में सीपीएम के 116 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। जेएनयू मामले में 3 न्यूज चैनल के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी दिल्ली सरकार। प्रसारित वीडियो में छेड़छाड़ का आरोप, मजिस्ट्रेट जांच के आधार पर कार्रवाई का फैसला। ईपीएफ पर टैक्स प्रस्ताव हो सकता है वापस, वित्त मंत्री आज लोकसभा में देंगे बयान। 60% हिस्से पर टैक्स प्रस्ताव का हो रहा है देशव्यापी विरोध। आभूषण कारोबारियों का अनिश्चितकाल तक हड़ताल जारी रखने का फैसला। 1% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग। हड़ताल से अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान। और डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद टेनिस खिलाड़ी शरपोवा का अस्थायी निलंबन। 12 मार्च से खेल पर रोक। शरपोवा ने कबूली ड्रग्स लेने की बात। असम गण परिषद के साथ गठबंधन के चलते बीजेपी में फूट पड़ गई है। राज्य में पार्टी के एक धड़े ने शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले से नाराज होकर नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। इसका नाम तृणमूल बीजेपी रखा गया है। ये पार्टी उन सभी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो असम गण परिषद को दी गई है। बीजेपी से अलग हुए धड़े में शामिल बिश्वजीत फुकन ने कहा कि पार्टी ने जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को नजरअंदाज किया है। ये धड़ा अगले कुछ दिनों में तृणमूल बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। असम में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 65 सीटों पर 4 अप्रैल को वोटिंग होगी, तो दूसरे चरण के लिए 61 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। सीपीएम ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सीपीएम नेता विमान बोस ने कल कोलकाता में 116 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। विमान बोस के मुताबिक इस सूची में पहले और दूसरे चरण के करीब सभी उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सोमवार को वाम मोर्चा के नेताओं के दिन भर चली बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। पार्टी प्रदेश सचिव सूर्यकांत मिश्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए खुद सूर्यकांत मिश्र का नाम भी उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें पश्चिम मेदिनीपुर जिले के नारायणगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है। सूर्यकांत 1982 से लगातार इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। विमान बोस ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव के लिए वाम मोर्चा एक नए मोर्चे का गठन करने जा रहा है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई अन्य पार्टियां शामिल होंगी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में कुल 49 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए 4 अप्रैल को 18 और 11 अप्रैल को 31 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 17 अप्रैल को राज्य की 56 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जारा आमादेर बामफ्रंटे आलोचना करे जे स्लोगान निर्दिष्ट हुए छे तृणमूल हटाओ ए राज्य बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों को तेज करते हुए कांग्रेस ने कल कई समितियों का गठन किया है। पश्चिम बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और असम में प्रदेश अध्यक्ष अंजन दत्ता की देखरेख में चुनाव समितियां काम करेंगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल में 90 सदस्य कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि सोमेन मित्रा घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी के प्रमुख होंगे। वहीं AH खान चौधरी पब्लिसिटी कमेटी की अगुवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार बनाने से पहले वो चाहती हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी और एजेंडा ऑफ अलायंस को लागू करने का भरोसा दे। महबूबा मुफ्ती ने कल कुपवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद ये बात कही। इससे पहले रविवार को जम्मू में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी गठबंधन के एजेंडे को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। वही जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के लिए बीजेपी और पीडीपी को जिम्मेदार बताया है और इसे लोगों के साथ धोखा करार दिया है। राज्य में फिलहाल 2 महीने से राज्यपाल शासन लागू है। बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, वहां उसमें
एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना है, कुछ हमने आपस में एक प्रोग्राम तय किया है जिसमें पेशरफ्त की ज़रूरत है। जिस वक्त वो पेशरफ्त होगी तो इंशाल्लाह जो मुफ्ती साहब का जो मकसद है, जो मुद्दा है, मैं उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ूंगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गरीबों और जनजातीय समुदाय के लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गरीबों को दबाने से देश का हित नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के जनजातियों के एक प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को अपने आवास पर मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी उन पर कितने भी निजी हमले कर ले, लेकिन गरीबों की आवाज नहीं दबनी चाहिए। जहां भी गरीब व्यक्ति, जहां भी कमजोर व्यक्ति अपनी आवाज उठा रहा है, वहां एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हिंदुस्तान की शक्ति हैं, ये लोग हिंदुस्तान की मदद करते हैं, इस देश को आगे बढ़ाते हैं, और इनको कुचलने से, दबाने से किसी को फायदा नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने जेएनयू विवाद मामले में कराई गई मजिस्ट्रेट जांच के आधार पर 3 न्यूज चैनलों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दायर करने का फैसला किया है। इससे पहले सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर इस मामले पर चर्चा की। दिल्ली सरकार 3 समाचार चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये वे चैनल हैं जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विवाद से जुड़े वीडियो को कथित रूप से छेड़छाड़ करके प्रसारित किया था। सोमवार को सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। गलत टेपों के आधार पर देश भर में ये देशद्रोही का प्रचार जो किया, जिसका तथ्य कुछ नहीं, ये एविडेंस है जो डॉक्टर था, और उसके आधार पर जो पूरा प्रचार जो किया गया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। Because whatever content they showed on their channel is their responsibility and they are the owners of the content that is being displayed on their channel. The government of Delhi, after their request, has considered to move the High Court under Section 200 for filing a case against all these 3 channels. दिल्ली सरकार की कानूनी टीम को आदेश दिया गया है कि वो उन 3 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे जिनका जिक्र रिपोर्ट में है। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत एक स्थानीय अदालत का रुख किया जाएगा। हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब को भेजे गए 7 में से 3 वीडियो में छेड़छाड़ पाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में चर्च पर हमले के आरोप में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। केंद्र ने इस घटना पर छत्तीसगढ़ सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं रायपुर में चर्च पर हमले के विरोध में कल प्रदर्शन हुआ। रायपुर में प्रदर्शन कर रहे ये लोग रविवार को चर्च पर हुए हमले का विरोध कर रहे हैं। इनकी मांग है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाए और अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा दी जाए। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का आरोप है कि राज्य में एक महीने में गिरजाघरों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय छत्तीसगढ़ सरकार के साथ संपर्क में है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो एक्शन भी ले लिया है, एक्शन लिया है। वहाँ का प्रशासन ने यहाँ से जानकारी लिया कि वो एक्शन भी ले लिया है, और जो भी उस पे दोषित है उस पे कार्रवाई होगा। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें वारदात की जगह पर जब्त किए गए वाहन और सबूतों के आधार पर पकड़ा गया है। अभी तक पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक बालिग है, उसमें से बाकी जो नाबालिग हैं, और सभी पे पुलिस ने धारा 452, 147, 295, 427 के तहत में कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रविवार को कुछ लोगों ने एक चर्च परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की थी और लोगों के साथ मारपीट भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकियों के भारत में घुसने के बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गुजरात के साथ कई राज्यों में आतंकी हमले की आशंका का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय में कल उच्च स्तरीय बैठक में पूरी स्थिति की समीक्षा की गई। गुजरात में आतंकियों के घुसने की खबर के बाद पूरे देश में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। सैन्य ठिकानों और मंदिरों समेत सभी अहम जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह के हमले को नाकाम करने के लिए राज्य में एनएसजी की 4 टीमें तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने बैठक कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इनके नापाक
मंसूबे कामयाब ना हो उसके लिए हम परस्पर सहयोग कर रहे हैं। सक्रियात्मक क्षण एक एक मिनट जो है सभी राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से हमारे संकलन की कार्यवाही हो रही है। गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। जो भी भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहाँ पे चेकिंग कराएं, जो होटल, सराय, रेलवे स्टेशन जहाँ पे लोग रुक सकते हैं उनका भी सत्यापन कराएं और सारी सावधानी बरतें। लगभग 32 कंपनी PAC फोर्स जो है पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों को संवेदनशीलता की दृष्टि से जो है वो बांट दी गई है। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया। बैठक में IB और रॉ समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल थे। इसमें आतंकी खतरे से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई। खुलासा करके इसको चर्चा में तो ला नहीं सकता, तो सिक्योरिटी एजेंसी से अपना काम कर रहे हैं, इनपुट्स मिला, उसको कोई बहस करने का मुद्दा नहीं है। इसको मैं इस तरह से बयानबाजी दे करके उसको खुला बात तो नहीं कर सकता। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने लश्कर और जैश के 10 आतंकवादियों के भारत में घुसने की जानकारी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दी है। इन आतंकियों के दिल्ली पहुंचने की आशंका के बाद राजधानी में भी संदिग्ध हरकतों पर पूरी नजर रखी जा रही है। रविंद्र सिंह शोरण, राज्यसभा TV। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलम की आंखों ने परखा इतिहास। मिसेस गांधी हैंडलिंग जो थी वार की, वो मास्टरली थी। वाजपेयी जी जब झगड़ा हो रहा था तो मुझसे कहते हैं जाते वक्त, इससे अच्छा तो ये है इंदिरा जी वापस आ जाए। कागज पर उतर आई हर बात। मैंने कहा मुराजी भाई मुबारक हो, ये काम तो बहुत होगा। हाँ कम होता अगर तुम उस वक्त मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने देते। देखा देश को बनते हुए, कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए, कलम के सफर का नया अंदाज। श्रेष्ठ संपादकों से संवाद। पत्रकार को राजनीति नहीं करना चाहिए, कलम गवाह है। देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। EPF पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव के विरोध के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली आज इस मामले पर लोकसभा में बयान देंगे। वित्त मंत्री बयान से EPF पर टैक्स प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। आम बजट में इस साल 1 अप्रैल के बाद EPF में जमा राशि के 60% हिस्से पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। अगर कर्मचारी इस रकम को फिर से निवेश करते हैं तो उन्हें टैक्स नहीं देना होगा। भारतीय मजदूर संघ समेत केंद्रीय कर्मचारियों के 11 संगठन इन प्रस्तावों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्ष भी कर्मचारी संगठनों के साथ खड़ा है और कर प्रस्ताव वापस लेने की मांग कर रहा है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सोमवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि इसे वापस लेने तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये सैलरी क्लास साधारण आदमी उनकी जेब के ऊपर डाका है सरकार का द्वारा, और साथ में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, जो टैक्स की चोरी अगर जो लोग करते हैं उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 2 मार्च से जारी सराफा कारोबारियों की हड़ताल अनिश्चितकाल तक बढ़ा दी गई है। कारोबारी सोमवार तक हड़ताल पर थे लेकिन उनकी मांग पर सरकार की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिलने से इसे अनिश्चितकाल तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। पिछले 6 दिन से जारी हड़ताल से अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सरकार के आश्वासन के बावजूद आभूषण निर्माता बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। ये हड़ताल आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क फिर से लगाए जाने और 2 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन पर पैन संख्या का उल्लेख अनिवार्य किए जाने के विरोध में है। आभूषण निर्माताओं ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है। सब मिलकर एक निर्णय लिया गया है कि ये स्ट्राइक फर्दर टिल नेक्स्ट डेट तक पोस्टपोन करेंगे, ये स्ट्राइक विल बी ऑन। एक निर्णय ये लिया है और एक निर्णय क्या लिया है कि पूरा जो ज्वेलर्स अक्रॉस द कंट्री है बुलियन सेल करना बंद कर देगा कंज्यूमर के लिए। सरकार के फैसले के खिलाफ आभूषण निर्माता 2 मार्च से हड़ताल पर हैं। हड़ताल में 3 लाख से ज्यादा विनिर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं और कारीगरों का प्रतिनिधित्व करने वाली 300 से ज्यादा एसोसिएशन शामिल है।
2016-17 के बजट में सरकार ने बिना इनपुट क्रेडिट के रत्न और आभूषण क्षेत्र पर 1% उत्पाद शुल्क लगाया है, जिसमें 12 करोड़ रुपए से ज्यादा कारोबार वाले जोहरियों को ही गैर चांदी वाले आभूषण उत्पादों पर 1% उत्पाद शुल्क देना होगा। सराफा कारोबारियों के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर अपनी समस्या उनके सामने रख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हरियाणा को निवेश के लिए बेहतर जगह बताया है। उन्होंने कल राज्य के वैश्विक निवेश सम्मेलन में कहा कि जाट आंदोलन अब पुरानी बात हो गई है और हरियाणा निवेश आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वित्त मंत्री ने राज्यों को जल्द आर्थिक सुधार करने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि निवेश आकर्षित करने के लिए बेहतर आर्थिक और राजनीतिक माहौल जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो राज्य सुधार नहीं करेंगे वहां की जनता को इसका खामियाजा उठाना होगा। And those who are in a position to offer a more favorable economic, business and political environment to the investors certainly are states which are going to benefit. Reform or perish couldn't be more true than it is today. उद्योगपति विजय माल्या को कर्ज वसूली न्यायाधिकरण से बड़ा झटका लगा है। न्यायाधिकरण ने उन पर ब्रिटेन की कंपनी डियाजियो से 515 करोड़ रुपए निकालने पर रोक लगा दी है। साथ ही डियाजियो से हुए समझौते की विस्तृत जानकारी भी मांगी गई है। भारतीय स्टेट बैंक की याचिका पर यह आदेश आया है। माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में अपनी बड़ी हिस्सेदारी डियाजियो को बेच दी है। दरअसल माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस ने 17 बैंकों से 7800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इनमें से करीब 1600 करोड़ रुपया SBI का है। एयरलाइंस अब बंद हो चुकी है और 2012 से ब्याज भी नहीं चुकाया गया है। इस बीच CBI जांच के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या के खिलाफ हवाला का मामला दर्ज किया है। देश में काले धन को आने से रोकने के लिए RBI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI संबंधित सूचनाएं खुफिया एजेंसियां IB और रॉ से साझा करेगा। यह फैसला आर्थिक अपराध की रोकथाम के लिए राजस्व सचिव की अगुवाई में हुई सरकार की एक समूह की बैठक में लिया गया। IB के प्रतिनिधियों का मानना है कि काले धन पर रोक के लिए निवेश करने वालों की सूचना साझा की जाए। कैबिनेट सचिवालय ने कर पनागाह देशों की कंपनियों से भारत में निवेश पर चिंता जताई थी। ऐसी कंपनी के निवेश पर नजर रखने के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी ने सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसका डेटाबेस तैयार करने का सुझाव दिया था। हालांकि इस कदम को बाद में खारिज कर दिया गया। क्या डिग्री हासिल कर लेना अधिवक्ता बनने के लिए काफी है? हाल के दिनों में वकीलों के व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। अधिवक्ताओं की बढ़ती भीड़ और गिरती विश्वसनीयता पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। इस पेशे से जुड़े जानकार भी मानते हैं कि कुछ लोगों ने पेशे की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकालत के पेशे में भीड़ बढ़ गई है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कानून के पेशे में आने के लिए मेरिट या योग्यता जरूरी है। पिछले दिनों में कई वकीलों पर कानून से खिलवाड़ करने के आरोप लगे। जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त रुख उन घटनाओं की वजह से ही है। जिस तरह का ये माहौल पैदा हुआ मद्रास हाई कोर्ट में या पटियाला हाउस कोर्ट में, ये बहुत दुख देता है और सारे प्रोफेशन को बदनाम करता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बात से बहुत कंसर्न है कि लीगल प्रोफेशन को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए जो अनरूली एलिमेंट्स हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वकालत लाइसेंस देने वाली परीक्षा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ डिग्री लेने से कोई वकील नहीं बन जाता। हालांकि BCI ने दावा किया था कि वो वकालत की प्रैक्टिस के लिए न्यूनतम मानदंड तय करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। जो लीगल रिफॉर्म्स कोर्ट की तरफ से कहा गया है, मुझे लगता है ये काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है और ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए क्योंकि ये हमारा इनबिल्ट सिस्टम भी है। तो एडवोकेट्स के लिए भी ये एक वैसे अच्छा होगा कि अगर ये इनबिल्ट सिस्टम से रिफॉर्म्स हो जाएंगे और अच्छे एडवोकेट्स प्रोफेशन में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक देश में 2,000,000 से ज़्यादा वकील हैं। हर साल 60,000 नए वकील बन जाते हैं। इनमें से 2,000 लॉ स्कूल से आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक बाकी 58,000 वकील देने वाले कई संस्थानों में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अमेरिकी ड्रोन हमले में 150 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। मारे गए आतंकी अलशबाब आतंकी गुट के बताए जा रहे हैं। पेंटागन के मुताबिक आतंकी किसी बड़े हमले की योजना बना रहे थे। सोमालिया में अमेरिकी एयरफोर्स को एक बड़ी सफलता मिली है। अमेरिकी ड्रोन ने एक आतंकी कैंप पर हमला कर 150 से ज्यादा आतंकियों को मार दिया है। पेंटागन के मुताबिक आतंकी संगठन अलशबाब के आतंकी किसी बड़ी साजिश की योजना बना रहे थे और पेंटागन के प्रवक्ता के मुताबिक इन पर कड़ी नजर रखी गई थी। पेंटागन को इस बात की जानकारी मिल गई थी कि ये आतंकी कैंप से बाहर निकलकर अमेरिकी और अफ्रीकी सेनाओं के लिए खतरा बन सकते थे। व्हाइट हाउस के मुताबिक आतंकियों के इस कैंप पर 5 मार्च को ड्रोन से हमला किया गया था। What I can tell you is that on Saturday, March 5th, the United States military conducted airstrikes in Somalia against Raso Camp, a training facility of Al-Shabaab. As you know, Al-Shabaab is an Al-Qaeda-affiliated terrorist organization. अमेरिकी ड्रोन हमले में स्थानीय लोगों को कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन व्हाइट हाउस का कहना है कि ड्रोन हमले के समय इस बात का खास ख्याल रखा गया था कि इससे लोगों को कम से कम क्षति हो। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन अलशबाब को 2011 में अफ्रीकी यूनियन के शांति सैनिकों ने मोगादिशु से खदेड़ दिया था, लेकिन वो पिछले काफी समय से पश्चिमी ताकतों के समर्थन से बनी सरकार को गिराने के लिए हमला करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ट्यूनीशिया और लीबिया की सीमा पर आतंकियों और सेना के बीच हुई मुठभेड़ में 53 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 35 आतंकी, 7 स्थानीय निवासी और 11 ट्यूनीशिया सिक्योरिटी के जवान थे। बताया जा रहा है कि बेनगुर्दन कस्बे में सोमवार को अचानक आतंकियों ने सेना के कैंपों पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद सीमा के आसपास के इलाकों में तनाव बना हुआ है। ट्यूनीशिया सरकार के अनुसार अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि आतंकी संगठन आईएस से जुड़े 2 वेबसाइट ने दावा किया है कि इस हमले को आईएस के आतंकियों ने अंजाम दिया है, जिनका मकसद हमला करके इन इलाकों पर कब्जा करना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका के बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जाहिर की है। इस खतरनाक बीमारी के परिणाम को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैज्ञानिकों और जानकारों से सहयोग और सतर्कता की अपील की है। जीका के खतरनाक परिणाम को देखते हुए जिनीवा में वैज्ञानिकों और जानकारों की टीम ने इससे निपटने के लिए मंथन किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर से ऐसे लोगों को आमंत्रित किया है जो इसमें मदद कर सकते हैं। सो दिस इज रियली अ वेक अप कॉल, सो वी नीड ऑफ कोर्स टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर एपिडेमिक, दिस इज द अर्जेंसी नाउ। जीका पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है। इस बीमारी के बारे में किसी के पास ना तो कोई विशेष जानकारी है और ना ही इसके लिए अब तक कोई कारगर वैक्सीन तैयार हो पाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भरोसा जताया है कि जल्द ही इसमें बड़ी सफलता मिल सकती है। We hope that the result from this meeting will be an identification of which are the most promising products. जीका की चपेट में सबसे ज्यादा ब्राजील है। ब्राजील में इससे जुड़े अब तक 640 मामले सामने आए हैं। वहीं ब्राजील की सरकार इस बीमारी से जुड़े 4000 से ज्यादा मामलों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल जगत से जुड़ी अहम खबर है। रूसी टेनिस स्टार और खेलों में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मारिया शरापोवा ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान ड्रग टेस्ट में फेल पाई गई हैं। शरापोवा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन ने यह जानकारी दी है। आईटीएफ ने मामले पर फैसला होने तक उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित भी कर दिया, जो 12 मार्च से प्रभावी होगा। 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन मारिया शारापोवा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने का कल ऐलान किया तो खेल प्रशंसक हैरान रह गए। उन्हें मेलोडेनियम ड्रग लेने का दोषी पाया गया, जिसे वाडा ने 1 जनवरी को प्रतिबंधित सूची में शामिल किया था। शारापोवा ने कहा कि वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। I made a huge mistake and I've let my fans down. I've let the sport down. I take full responsibility for it. I don't want to end my career this way and I really hope that I will be given another chance to play this game. हालांकि शारापोवा ने कहा कि ये दवा पिछले 10 सालों से वाडा की प्रतिबंधित सूची में नहीं थी और मैं कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही थी।
उन्होंने ये भी कहा कि इस साल 1 जनवरी को प्रतिबंधित सूची में बदलाव की जानकारी उन्हें नहीं हुई। फिलहाल ITF के अंतिम फैसले तक वाडा ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है। एक दिन पहले ही शरापोवा ने जब एक बड़े ऐलान की बात कही थी तो उनके टेनिस करियर से संन्यास के कयास लगाए जाने लगे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने देश की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा संभावनाएं पैदा करने पर जोर दिया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में महिलाओं को उच्च स्तर का सम्मान हासिल है। उनकी सुरक्षा और सलामती समाज का पवित्र और परम कर्तव्य है। हमें उनकी बराबरी के अवसरों और सम्मानित अधिकारों का सम्मान जरूर करना चाहिए। समाज में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और सम्मान का माहौल बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस मौके पर आज राष्ट्रपति स्त्री शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस साल के लिए थीम रखी है, साल 2030 तक दुनिया में स्त्री पुरुष अनुपात 50-50% करने के लिए पहल। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। असम बीजेपी में फूट, पार्टी के एक धड़े ने बनाई तृणमूल बीजेपी। AGP से गठबंधन को लेकर थे नाराज। पश्चिम बंगाल में CPM के 116 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। JNU मामले में 3 न्यूज चैनल के खिलाफ मुकदमा दायर करेगी दिल्ली सरकार। प्रसारित वीडियो में छेड़छाड़ का आरोप, मजिस्ट्रेट जांच के आधार पर कार्रवाई का फैसला। EPF पर टैक्स प्रस्ताव हो सकता है वापस, वित्त मंत्री आज लोकसभा में देंगे बयान। 60% हिस्से पर टैक्स प्रस्ताव का हो रहा है देशव्यापी विरोध। आभूषण कारोबारियों का निश्चित काल तक हड़ताल जारी रखने का फैसला। 1% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने की मांग। हड़ताल से अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान। और डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद टेनिस खिलाड़ी शरपोवा का अस्थायी निलंबन, 12 मार्च से खेल पर रोक। शरपोवा ने कबूली ड्रग्स लेने की बात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।